पर क्या है कि पब्लिक परेशान है, 15 साल से विधायक घर घर नहीं जा रहा है, विधायक से परेशान है। आज यदि यहाँ पर सीवर लाइन की, यहाँ ये सारी सीवर लाइन का पानी भी इसमें मिला हुआ है। सीकर रोड पे आज घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां खराब हो रही है, गाड़ियां परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। पिछले 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज यदि यहां पर सीवर लाइन की, यहां ये सारी सीवर लाइन का पानी भी इसमें मिला हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान है। यहाँ पर यदि विकास कार्य नरपत सिंह जी राज भी करा देते तो आज पानी के निकास की व्यवस्था होती, पर क्या है कि पब्लिक परेशान है, 15 साल से विधायक घर घर नहीं जा रहा है, विधायक से परेशान है। हम चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो, विधायक को हटाया जाए। सर आप इस समय कहाँ खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये भवानी निकेतन के आगे सीकर रोड है, सीकर रोड पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, आप लोग देख लो, सारे भाई लोग खड़े हैं। मैं आप लोगों से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विद्याधर नगर विधानसभा में जन से जो MLA साहब हैं नरपत सिंह जी राजवी 3 बार MLA रहे, 3 बार MLA रहने के बाद में भी उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। आज भी यदि यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था होती तो इतना पानी आज यहाँ नहीं होता सीकर रोड पे। लोग परेशान हैं, एम्बुलेंस भी है, पीछे एम्बुलेंस ही बंद हो गई थी, CDS बस जो है परिवहन निगम के पास है वो भी बंद हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर ये खड़ी बह गई है, पब्लिक परेशान है। विकास के नाम पे नरपत सिंह जी राजवी ने 15 साल में कोई विकास कार्य विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवाया है।